हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ एकेडमी में। तो जैसा कि अभी तक आप स्क्रीन देख चुके हैं, थंबनेल देख चुके हैं, तो आज की हमारी वीडियो और डेली बेसिस पर आज से जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट MCQs की मिलेगी रिलेटेड टू राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। जैसा कि अपडेट आपके पास है ही कि एग्ज़ाम जो है 23 जून को कंडक्ट होना है। पहले ये 16 जून को था, अब ये 23 जून को, यानी कि तकरीबन 8 दिन का आपको एक्सटेंशन पीरियड मिलता है। लेकिन ये एक्सटेंशन जो है डेट ऑफ फाइलिंग में, जो फॉर्म भरने की जो डेट है उसमें नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। आते हैं, अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको RGS की हमारी टेस्ट सीरीज़ अवेल करनी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नोटिस आफ्टर विच सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस मे बी ऑब्टेंड अंडर SRA। तो नोटिस जो है वो कितने दिन का दिया जाएगा जिसके बाद आप अंडर SRA स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेल कर सकते हैं, 7 दिन, 15 दिन, 2 महीने या 30 दिन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 30 डेज, मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिलीफ्स मे बी क्लेम्ड इन अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अगर एक सूट आता है, उसमें आप इनमें से कौन सी एडिशनल रेमेडी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। पोजेशन व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब रिफ्यूज कर दी गई है, पार्टीशन प्लस सेपरेट पोजेशन व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 को मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, एक्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई इन अ मुंबई। एक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया वाई के साथ मुंबई में, टू डिलीवर वेयर बाय एक्स शेल डिलीवर टू वाई इम्पोर्टेड ग्लास। एक इम्पॉर्टेंट ग्लास जो है जो कि जर्मनी से आया है, और वाई इन रिटर्न जो है सर्टेन टाइप ऑफ सिल्क, मतलब एक तरीके से आप मुझे ग्लास दीजिए मैं आपको सिल्क दूंगा। ओनली टू सिक्योर इट्स परफॉर्मेंस व्हाट स्पेसिफिक रेमेडी व्हाट विच स्टेट्स दैट इफ एनी पार्टी ब्रिचेज द कॉन्ट्रैक्ट इट हैज़ टू पे अदर पार्टी अ कंपनसेशन 10,000 रुपीज। यहाँ पर एक्स जो है वो फेल कर जाता है वाई को ग्लास डिलीवर करने पर, तो यहाँ पर एक्स जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या इनेबल कर सकता है, कंपनसेशन जो है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शेल नॉट बी इन्फोर्स्ड एंड द कंपनसेशन में बी ऑर्डर्ड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर की जा सकती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मे बी डिक्रीड बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा देगा या नहीं, नाइदर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ना तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा ना ही कंपनसेशन मिलेगा। तो हाँ जी, इसका जवाब क्या होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है डिलीवरी ऑफ ग्लास जो है मिस्टर वाई को देने के ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच रिलीफ ऑफ रेसिशन मे बी ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनलॉफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सा रिलीफ जो है ग्रांट किया जा सकता है, प्लेंटिव फॉल्ट इज मोर देन द डिफेंडेंट फॉल्ट, डिफेंडेंट का फॉल्ट इज मोर देन प्लेंटिव फॉल्ट, व्हेन पार्टीज आर इन पेरी डेलिक्टो स्टेज पे है, नन ऑफ द अबव, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो भैया इसका जवाब होगा डिफेंडेंट फॉल्ट इज मोर देन प्लेंटिव फॉल्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ द परचेजर लेजर अगेंस्ट अ सेलर विद द इम्परफेक्ट टाइटल। तो इसमें से जो है बेसिकली कौन सा अधिकार परचेजर का या लेजर का सेलर के अगेंस्ट नहीं होगा, कंपेल द सेलर और लेजी टू ट्रांसफर गुड्स टाइटल इफ सब्सिक्वेंटली उसने अगर टाइटल अक्वायर कर लिया है तो, नेक्स्ट क्या कहता है, कंपेल द सेलर टू रिडीम द मॉर्टगेज, कि मॉर्टगेज जो किया गया है उसको रिडीम कर लिया जाए, वेयर ही सोल्ड द प्रॉपर्टी। तीसरा क्या कहता है, कंपेल द सेलर टू पे द रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ द प्रॉपर्टी, कि भैया जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं आप उसको पे कीजिए उसके लिए। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, कंपेल द सेलर और द लेजर टू प्रोक्योर कंकरेंस ऑफ अदर कन्वीनियंस विच वर कन्वीनियंस व्हेन दे आर फाउंड बाउंड टू कंकर एट द पर्सन्स नेसेसरी रिक्वेस्ट ऑफ द सेलर। तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। तो इनमें से अगर बात की जाए तो आप स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस इसका नहीं करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ए वाइल गोइंग अब्रॉड लीव्स हिज फर्नीचर. ए भैया अब्रॉड जा रहा था, अपना फर्नीचर जो है अपने दोस्त के पास छोड़ गया. बी प्लेजेस द फर्नीचर टू सी इन अ सूट. बी ने क्या किया, वो फर्नीचर जो है प्लेज कर दिया सी को. इन अ सूट फाइल्ड बाय ए अंडर SRA. तो वो क्या कर सकता है, सी मे बी सी मे कंपेल्ड स्पेसिफिकली डिलीवर टू द फर्नीचर टू द ए. सी को स्पेसिफिकली क्लेम कंपेल किया जा सकता है, सी को कंपेल नहीं किया जा सकता. सी को कंपेल सिर्फ बी के द्वारा किया जा सकता है. नाइदर ए नॉर बी कैन क्लेम एनी रिलीफ अगेंस्ट द सी. तो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ये चीज़ याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं. इन विच सर्कमस्टांसिस एनी पर्सन हैविंग द पोजिशन और अ कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. एक ऐसा सर्कमस्टांसिस आता है, पर्टिकुलर मूवेबल आर्टिकल की जो है पोजिशन है आपके पास, ऑफ विच ही इज नॉट द ऑनर, वो उसका ऑनर नहीं है. तो किन सूरत हाल में आप जो है उसका स्पेसिफिक कंपेल करवा सकते हो, इमीडिएट पोजीशन जो है उसकी दिलवा सकते हो. व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज, जब एक्चुअल डैमेजेस का ही नहीं पता. व्हेन द थिंग्स क्लेम इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट ऑफ द ट्रस्टी, के ट्रस्टी के एजेंट के तौर पर. और व्हेन द कंपनसेशन इन द मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ, या ऑल ऑफ द अबव. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन विल बी All of the above. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8, एक सेक्शन को उठाया गया है. ऐसा कौन सा इंजंक्शन है पूछा गया है. डैश इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हेयरिंग एंड अपॉन द मैरिट्स ऑफ द सूट. द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली इंजॉयड फ्रॉम द असर्शन ऑफ अ राइट और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी कॉन्ट्ररी टू द राइट ऑफ प्लेंटिफ. तो इसमें से कौन सा होगा, परपेचुअल, टेम्पररी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव. तो परपेचुअल विल बी द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है. द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन कौन से सेक्शन में. सेक्शन 11 का क्लॉज 2, सेक्शन 14, या ऑप्शन नंबर 3 आता है बोथ ए एंड बी, और या ऑप्शन नंबर 4 आता है नाइदर ए नॉर बी. तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द ट्रस्टी इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर, क्या वो और इन द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्या वो स्पेसिफिकली क्लेम उसको करा सकते हैं. नो, इट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स. सो आज के इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं. राजस्थान जुडिशरी के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज अवेल करनी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं. नंबर है 8377032873. टोटल 50 टेस्ट हैं, 25 जो है लॉ के टेस्ट हैं, 15 आपको लैंग्वेज के टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं. कंप्लीट आपको टेस्ट दिए जाएंगे जिसकी फीस है मात्र 799. सो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं. चैनल पर आ रही वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखें.